हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। जब कभी कंपनी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा के अमाउंट में शेयर को इश्यू करती है तो उसे हम कहते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मान लो कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपी, या हम कह सकते हैं नॉमिनल वैल्यू। कंपनी के शेयर की नॉमिनल वैल्यू 10 रुपी है और कंपनी उसको 12 रुपी में इश्यू करती है। इट्स मीन कंपनी इश्यू ऑफ शेयर मोर देन फेस वैल्यू, इट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो उस केस में कंपनी कैसे एंट्री करेगी, किस तरह से एंट्री करेगी, वो हम सीखेंगे। जैसा कि आपने पार के केस में सीखा था कि कंपनी चाहे तो एक साथ सारे पैसे मांग सकती है या फिर उसको इंस्टॉलमेंट में मांग सकती है, तो इसमें भी हम दोनों तरह से एंट्री करना सीखेंगे। कंपनी चाहे तो सारे पैसे एक साथ ले सकती है, लमसम अमाउंट ले सकती है, या फिर कंपनी इंस्टॉलमेंट में ले सकती है। तो लमसम में कैसे एंट्री करनी है, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ए लिमिटेड इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम of rupees 2 payable along with application। कंपनी सारे पैसे एप्लीकेशन के साथ मांग रही है इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो उस केस में हम कैसे एंट्री करेंगे, पहली एंट्री होगी हमारी कंपनी का बैंक इंक्रीज हो जाएगा, एसेट्स बढ़ जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और कंपनी की लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी तो उसको हम लिखेंगे 2 शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। कंपनी ने 5,000 शेयर इशू किए थे, इसमें ₹10 शेयर कैपिटल के हैं और ₹2 प्रीमियम के, तो टोटल हो गए ₹12। तो 5,000 × 12 ये हो जाएगा 60,000, 60,000। अब कंपनी शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर करेगी शेयर कैपिटल में, तो इस केस में हम शेयर एप्लीकेशन को हम डेबिट करेंगे, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर भी आएगा 60,000 और यहां आएगा 50,000। हम एक अकाउंट और ओपन करेंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसको हम डालेंगे यहां पे ₹10,000। देखिए कंपनी के पास ₹60,000 आए जिसमें से ₹50,000 थे शेयर कैपिटल के और ₹10,000 थे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। जब कंपनी लमसम में सारा अमाउंट मांगती है तो हम सिर्फ दो एंट्री करते हैं, पहली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, इसके बाद हम शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और बाकी अगर प्रीमियम पे इश्यू किया तो प्रीमियम का एक नया अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब हम इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, बैलेंस शीट को हम डिटेल में बाद में सीखेंगे, फिलहाल हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं इसलिए मैं बना देता हूं। हमारी हेडिंग है इक्विटी एंड लायबिलिटीज,
इसके अंदर आप दिखाओगे शेयर कैपिटल ₹50,000, एक हेडिंग और बनेगी रिजर्व एंड सरप्लस, इसके अंदर हम दिखाएंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और ये है ₹10,000, टोटल हो गया ₹60,000। एसेट्स में क्या आएगा, सिर्फ एक ही अमाउंट है बैंक ₹60,000। तो यहां पे कंपनी की लायबिलिटी बढ़ गई 60,000 से और एसेट्स बढ़ गई 60,000 से। अब दूसरा केस देखते हैं, जब कंपनी इंस्टॉलमेंट में शेयर के अमाउंट को रिसीव करती है तो उसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसे रिसीव करती है, क्वेश्चन है बी लिमिटेड इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर पेबल एज फॉलो, ₹3 ऑन एप्लीकेशन, ₹6 ऑन अलॉटमेंट एंड ₹3 ऑन फाइनल कॉल। अब देखिए ₹10 शेयर कैपिटल के हैं, नॉमिनल वैल्यू है और ₹2 प्रीमियम है, तो टोटल कंपनी को रिसीव करने हैं ₹12। ये देखिए टोटल बन रहे हैं ₹12। अब इसमें ये मेंशन नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है या फिर फाइनल कॉल के साथ है। अगर जब कभी क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि प्रीमियम कहाँ पे रिसीव कर रही है कंपनी, तो हम ये एज्यूम करेंगे कि कंपनी ने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम मांगा है। तो जो अलॉटमेंट का अमाउंट है वो है 4+2, 2 शेयर कैपिटल के और ₹2 है प्रीमियम के। अब हम देखते हैं एंट्री हमें कैसे पास करने इस केस में। तो पहली एंट्री होगी एप्लीकेशन रिसीव की, तो उसके लिए हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 10,000 शेयर्स हैं और एप्लीकेशन का अमाउंट है ₹3, तो टोटल हो गया 30,000। इसके बाद कंपनी शेयर कैपिटल के शेयर एप्लीकेशन के अमाउंट को ट्रांसफर कर देगी शेयर कैपिटल में। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 30,000। कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव कर ली और उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। अब कंपनी नेक्स्ट कॉल कर रही है अलॉटमेंट की कि भैया आप ₹6 पे कर दो अलॉटमेंट के, जिसमें ₹2 प्रीमियम के है। तो अब कंपनी अलॉटमेंट को पहले ड्यू करेगी फिर रिसीव करेगी, तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एग्जाम में आप पूरा लिखेंगे तो 10,000 शेयर्स हैं, ₹6 चाहिए अलॉटमेंट पे, तो टोटल हो गए 60,000। इसमें ₹4 शेयर कैपिटल के हैं और ₹2 किसके हैं प्रीमियम के, इनटू करेंगे 10,000 से तो ये आ जाएगा 40,000 और ये 20,000। चलिए अब कंपनी अलॉटमेंट को रिसीव करेगी, तो उसके लिए एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 60,000 से अलॉटमेंट ड्यू की थी कंपनी ने, अब वो इसको रिसीव कर लेगी तो बैंक में आएंगे 60,000। अलॉटमेंट जो पहले डेबिट की थी 60,000 से, उसको कैंसिल कर दे क्रेडिट करके। अब कंपनी फाइनल कॉल को ड्यू करेगी और फिर रिसीव करेगी, तो उसके लिए एंट्री होगी
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स हैं और फाइनल कॉल का अमाउंट है 3 रुपए, तो यह जाएगा 30,000। कंपनी ने फाइनल कॉल को ड्यू कर दिया ड्यू डेट पे और इसको फिर रिसीव कर लेगी बाद में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट अमाउंट आएगा 30,000। तो बहुत ही सिंपल था, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है, अगर कंपनी प्रीमियम पे शेयर इश्यू करती है तो हम एक अलग से अकाउंट खोलते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसको हम क्रेडिट करते हैं और बैलेंस शीट में अलग से दिखाते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो इस तरह से आपको दोनों केस में पता लग गया, अगर कंपनी लमसम में अमाउंट रिसीव करती है शेयर कैपिटल का तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 एंट्री करनी पड़ती हैं, और इंस्टॉलमेंट में अगर कंपनी चाहती है कि शेयर होल्डर पे करे तो जितनी भी इंस्टॉलमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी पड़ती है। तो पहली एंट्री जो होती है, क्योंकि कंपनी को पता नहीं होता कि कितनी एप्लीकेशन आनी है, तो सबसे पहले जो एप्लीकेंट होता है जो शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन देता है तो सारा पैसा बैंक में जमा होता है, उसके बाद कंपनी उस अमाउंट को ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल में। अब कंपनी को पता है कि इतने शेयर होल्डर ने हमारे शेयर ले लिए हैं, सब्सक्राइब कर लिए हैं, उसके बाद फिर कंपनी उतने शेयर से अलॉटमेंट को ड्यू करती है और फिर रिसीव करती है, और अगर कोई उसके बाद भी कोई कॉल है तो उसको भी ड्यू करेगी और रिसीव करेगी। इसके अंदर कई बार क्या होता है कि शेयर होल्डर एप्लीकेशन देने के बाद अलॉटमेंट या कॉल मनी नहीं देता है तो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, और कोई कोई ऐसे होते हैं शेयर होल्डर जो एप्लीकेशन के साथ ही आने वाली आगे की कॉल भी पे कर देते हैं जिसे हम कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। तो उसको हम अलग से सीखेंगे कि कॉल्स इन एरियर क्या है और कॉल्स इन एडवांस क्या है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।